आज से करीब 25 लाख साल पहले मेगालोडॉन इस धरती से विलुप्त हो गया था। पर क्या आपको मालूम है कि धरती से उनके विलुप्त हो जाने का मेन रीजन क्या था? वैसे अगर साइंटिस्ट की माने तो मेगालोडॉन आज से 25 लाख साल पहले अपने आप एक्सटिंक्ट नहीं हुआ था, बल्कि सालों से चली आ रही रिसर्च से ये पता चला था कि क्लाइमेट चेंज उनके एक्सटिंक्शन की एक बहुत ही बड़ी वजह थी। खैर, कई साइंटिस्ट का तो ये तक मानना था कि धरती से 150 लाइट ईयर दूर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की रेडिएशन धरती तक पहुंचा था और उन्हीं रेडिएशन ने मेगालोडॉन का वजूद धरती से मिटा दिया। हालांकि ये बात सही भी है, क्योंकि जब भी एक स्टार एक्सप्लोड होता है तब उसमें से एक्सीड अमाउंट में हीट निकलती है जो कि हजारों लाइट ईयर दूर तक जाती है, और शायद इसी हीट में से कुछ हीट हमारी धरती से टकरा गई होगी और उसमें हमारी धरती को बहुत ही ज्यादा गर्म बना दिया होगा, जिस वजह से सारे जीव और उनके साथ मेगालोडॉन भी खत्म हो गए थे। लेकिन 2019 में रिसर्च की एक टीम के द्वारा समुद्र के अंदर कुछ बहुत ही अजीब सी खोज की गई, और ये अजीब खोज किसी और चीज की नहीं बल्कि मेगालोडॉन के फॉसिल्स की हुई थी, जो कि उनके विलुप्ति के एक्सपेक्टेड समय से भी ज्यादा पुराने थे, शायद सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी पुराने। इसके बाद एक साइंटिस्ट द्वारा एक नई थ्योरी दी गई, जिसके अनुसार उनका एक्सटिंक्शन ग्रेट व्हाइट शार्क की वजह से हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि मेगालोडॉन तो आकार में बहुत ही ज्यादा बड़े होते थे और उसके सामने तो कोई और समुद्री जीव टिकता ही नहीं था, तब ऐसे में उनसे करीब 5 गुना छोटे ग्रेट व्हाइट शार्क उनके विलुप्ति का मेन रीजन कैसे बन सकता था? क्योंकि अगर मेगालोडॉन चाहे तो आसानी से व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क का शिकार करके उन्हें हरा सकता था। व्हेल, अगर मेगालोडॉन की बात करें तो हम इंसान जितने इसके बारे में जानते हैं, ये अपने जबड़ों की ताकत से अपने दुश्मन पर हमला करते थे, और अब तक फॉसिल्स के नाम पर समुन्दर के अंदर उनका जबड़ा और दांत ही मिला है। पर अगर ग्रेट व्हाइट शार्क की बात करें तो जो ग्रेट व्हाइट शार्क आज मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही शार्क्स मेगालोडॉन के समय भी समुन्दर में मौजूद थे, और उनका जबड़ा और दांत उस समय भी उतना ही खतरनाक हुआ करता था जितना कि आज के समय होता है। दोस्तों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रेट व्हाइट शार्क के जबड़े में बहुत सारे नुकीले दांत होते हैं और उनका जबड़ा बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है, जो कि आसानी से कितने भी बड़े शिकार को खा सकता है। इतना ही नहीं, शार्क्स मेगालोडॉन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा तेज और फुर्तीले भी होते हैं, और शायद इसी वजह से साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ग्रेट व्हाइट शार्क उस समय मेगालोडॉन की फूड राइवल रही होगी, यानी कि वो मेगालोडॉन के अपने शिकार तक पहुंचने से पहले ही उनके शिकार को द ग्रेट व्हाइट शार्क अपना शिकार बना लेते थे। खैर, आज भी ये क्लियर नहीं है कि मेगालोडॉन अकेले ग्रेट व्हाइट शार्क की वजह से एक्सटिंक्ट हुआ था, क्योंकि साइंटिस्ट का ऐसा बिलीव है कि ग्रेट व्हाइट शार्क तो छोटे शिकार को चुरा सकते थे, मगर वो व्हेल्स और बड़े समुद्री जीवों को नहीं खा पाते थे। और एक थ्योरी के अनुसार ऐसा भी कहा गया है कि एक स्पीसीज अकेले किसी दूसरी स्पीसीज के एक्सटिंक्शन का कारण नहीं बन सकती, तब ऐसे में ग्रेट व्हाइट शार्क अकेले ही मेगालोडॉन को एक्सटिंक्शन की तरफ नहीं पहुंचा सकते थे। आज अगर वैज्ञानिकों की माने तो टाइगर शार्क और बुल शार्क ने भी मेगालोडॉन की विलुप्ति में अपना योगदान दिया था, क्योंकि वो भी मेगालोडॉन के छोटे शिकार को तेजी से छीन लेते थे, और ऐसे में मेगालोडॉन को खाने के लिए सिर्फ व्हेल्स पर ही निर्भर होना पड़ता था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि मेगालोडॉन जब यंग हुआ करता था तब वो चाहकर भी बड़े शिकार को नहीं खा पाते थे, बल्कि बचपन के समय उनका आकार ग्रेट व्हाइट शार्क से भी छोटा हुआ करता था, जिसका फायदा ग्रेट व्हाइट टाइगर और बुल शार्क को मिलता था, क्योंकि ये शार्क मेगालोडॉन के छोटे बच्चे को आसानी से अपना शिकार बनाकर खा जाते थे। इसी प्रकार यंग मेगालोडॉन को खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, और इसी स्ट्रगल में उनकी खुद की जान चली जाती थी, जिससे मेगालोडॉन की पॉपुलेशन कम हो रही थी। अब उनके पास खाने के लिए सिर्फ व्हेल्स ही बचे थे। एक तरफ जहाँ मेगालोडॉन की पॉपुलेशन कम हो रही थी, तो वही दूसरी तरफ शार्क्स की पॉपुलेशन में बड़ा उछाल आ रहा था, जो कि मेगालोडॉन के लिए और भी चिंता का विषय बन गया। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार इस विलुप्ति में भी एक ट्विस्ट है, जो बताता है कि मेगालोडॉन सिर्फ गर्म टेम्परेचर में रह पाते थे, पर वही शार्क्स और व्हेल्स को कोल्ड टेम्परेचर में भी प्रॉब्लम नहीं होता था। अब जब आज से करीब 30 लाख साल पहले धरती के टेम्परेचर में चेंजेस हुआ, तब ज्यादातर छोटे समुद्री जीव कोल्ड वाटर की तरफ चले गए, और इन्हीं छोटे समुद्री जीवों की तलाश में व्हेल्स भी ठंडे पानी में माइग्रेट हो गए, जिस वजह से मेगालोडॉन को गर्म पानी के छोटे जीवों पर ही निर्भर होना पड़ा। और क्योंकि शार्क पहले से ही यहाँ मौजूद थे, तो तब वो गर्म पानी में बचे छोटे जीवों को जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, तब मेगालोडॉन को खाने की कमी की वजह से भूखा रहना पड़ा, और इसी तरह वो धीरे धीरे मरने लगे, और ऐसे ही लगातार उनकी मौत होती गई, और एक दिन मेगालोडॉन इस धरती से विलुप्त हो गया। तो इस प्रकार ग्रेट व्हाइट शार्क ने मेगालोडॉन के एक्सटिंक्शन पे अपनी भूमिका निभाई। आज एक बात तो सच है कि मेगालोडॉन धरती से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया है, पर अब भी कुछ लोग ऐसा दावा करते रहते हैं कि मेगालोडॉन आज भी धरती के नीचे मैरियाना ट्रेंच में जिंदा है। तो इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।